हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी कर मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर डेली करंट अफेयर्स में आज हम 11 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा लास्ट में इसका रिवीजन करेंगे और आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा चलिए दोस्तों सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है वह किस राज्य के गवर्नर रह चुके थे वह पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके थे अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वेस टूर्नामेंट किसने जीता है अनाहत सिंह ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है तो डी वाई चंदूड़ को सम्मानित किया गया है और डी वाई चंदूड़ भारत के पचासवीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हाल ही में महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट कौन बनी है तो उस्मानाबाद जिला अदालत जो है वो महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट बनी है जोशीमठ शहर किस राज्य में स्थित है जिसे आपदा संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तो यह उत्तराखंड में है अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष कौन बने हैं कैबिन मेकार्थी बने हैं बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है चेतन शर्मा को देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन बना है केरल बना है सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन तेल किसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है बीपीसीएल ने कल का लास्ट क्वेश्चन था किस राज्य की जालना और नागपुर पुलिस को सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब दिया गया है महाराष्ट्र की दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है तो ये मनाया गया है 10 जनवरी को तो हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है इसका उद्देश्य होता है हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता फैलाना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना दोस्तों 2023 की थीम क्या है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उसकी मातृभाषा की महत्ता को भूले 2006 में भारत सरकार के द्वारा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था दोस्तों ये निर्णय क्यों लिया गया था क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दस जनवरी उन्नीस को नागपुर में आयोजित किया गया था तो इसी को याद करने के लिए हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दस जनवरी को लेकिन हिंदी दिवस कब मनाया जाता है याद रखना है चौदह सितंबर को तो भारत में हिंदी दिवस चौदह सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दी गई थी इंडिया में दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन में संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है और इसकी जो लिपि है वो कौन सी है देवनागरी है अनुच्छेद तीन में ये कहा गया है कि जो राज्य होगा यानी जो सरकार होगी वो हिंदी भाषा के विकास के रूप में विकास में योगदान देगी ठीक है या हिंदी भाषा का विकास करेगी तो इस प्रकार का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद तीन में चलिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एस बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे पर है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करें या फिर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं और छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा कूपन कोड यूज करिएगा पी एस जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको छूट मिल जाएगी चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं छेरछेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है तो यह छत्तीसगढ़ में मनाया गया है ठीक है छेरछेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है छत्तीसगढ़ में मनाया गया है तो खेती के बाद फसलों को अपने घर ले जाने की खुशी में पूस महीने में जो कि हिंदू कैलेंडर का एक माह होता है तो उसकी पूर्णिमा की रात को यह त्यौहार मनाया जाता है लोग इस दिन धान के साथ साथ हरी सब्जियां भी दान करते हैं दोस्तों पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी दोस्तों छेरछेरा में जो दान दी गई राशि होती है उसको जन कल्याण में खर्च किया जाता है किसान सहित हर वर्ग के लोग अनाज का दान करते हैं ठीक है दोस्तों तो याद रखिएगा छेरछेरा त्योहार जो है ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया है बात आई है छत्तीसगढ़ की तो उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी डिस्कस करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है भूपेश बघेल हैं राज्यपाल कौन है अनुसुईया उइके हैं आज दोस्तों छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं क्या होता है कि जो कई बार राज्य जो है वो बार बार आता है तो हम अलग अलग चीजें डिस्कस करते हैं जैसे किसी दिन राष्ट्रीय उद्यान बांध और फिर अलग अलग चीजें जो है वो छत्तीसगढ़ से डिस्कस करते रहते हैं इससे होता क्या है कि आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी तो आज हम राष्ट्रीय उद्यान और बांध डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं कौन कौन से बांध हैं यहाँ पर गंगरेल बांध मुरुम सिल्ली बांध और दुधावा बांध और हसदेव बांगो बांध ये सभी बांध किस राज्य में स्थित हैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की लोकेशन आप देख सकते हैं ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन और इसके पड़ोसी राज्यों में कौन कौन से राज्य जाते हैं तेलंगाना महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश झारखंड ओडिशा और आंध्र प्रदेश ये इसके पड़ोसी राज्य हैं अगला क्वेश्चन है नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिक विद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों प्रौद्योगिकी विद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है नासा के तो वो बने हैं एसी चिरानिया और प्रौद्योगिकी विद को हम चीफ टेक्नोलॉजिस्ट भी बोलते हैं तो भारतीय अमेरिकी हैं कौन एसी चिरानिया और वो एरोस्पेस उद्योग के विशेषज्ञ भी हैं तो उन्हें अभी हाल ही में नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है बात आई है यहाँ पर नासा की तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिस प्रकार से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी को इसरो बोलते हैं उसी प्रकार से अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी को नासा बोलते हैं इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है इसके प्रमुख हैं विल नेल्सन और इसकी स्थापना 29 जुलाई उन्नीस को हुई थी हाल ही में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनको भी डिस्कस करते हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है अनिल कुमार लाहौती को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है सोहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है डब्ल्यू ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया है पीटी टी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और इसके अलावा फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष भारतीय मूल की सुस्मिता शुक्ला बनी है।, फेडरल रिजर्व उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसी प्रकार से अमेरिका में फेडरल रिजर्व है अगला क्वेश्चन है एडिलेट अंतरराष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता है तो यह जीता है नोबाक जोकोविच ने दोस्तों कई बार एग्जाम में आता है कि नोबाक जोकोविच का संबंध किस देश से है तो नोबाक जोकोविच जो है वो सर्बिया देश से रिलेटेड है तो उन्होंने अब तक अपने कैरियर में कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं याद रखना है 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इसके अलावा उन्होंने ए एकल खिताबों की की बराबरी भी की है किसकी राफेल नडाल की ठीक है और जो एडिलेट अंतरराष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब है या एडिलेट इंटरनेशनल का जो खिताब है ये कहां पर आयोजित किया गया है तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं तो अभी अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में गर्ल्स अंडर 15 खिताब जीता है फिफ्टी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है स्वस्ति सिंह को इसके अलावा मनु भाकर ने भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है कोस्तव चटर्जी जो हैं वो भारत के अठहत्तरवीं ग्रैंड मास्टर बने हैं अगला क्वेश्चन है रोलर कोस्टर एन अफेयर विथ बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन बने हैं आंसर है इसका तमाल बंधुपाध्याय तो तमाल बंधुपाध्याय के द्वारा रोलर कोस्टर एन अफेयर विथ बैंकिंग नामक पुस्तक को लिखा है और पत्रकार हैं कौन तमाल बंधुपाध्याय और दोस्तों इस पुस्तक में भारत के वाणिज्यिक और केंद्रीय बैंकरों के जीवन का वर्णन किया गया है तमाल बंधुपाध्याय की कुछ और पुस्तकें हैं जैसे ए बैंक फॉर द बक सहारा द अनटोल्ड स्टोरी ये सभी किसकी पुस्तकें हैं तमाल बंदोपाध्याय की दोस्तों अभी हाल ही में एक पुस्तक को हमने डिस्कस किया था अंबेडकर ए लाइफ तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और ये पुस्तक किसकी है शशि थरूर की है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किला हुआ ज्वालामुखी फिर से फट गया है यह कहाँ स्थित है तो दोस्तों ये हवाई में स्थित है ठीक है तो अमेरिका का एक राज्य है, है हवाई तो वहां पर अभी हाल ही में किला हुआ ज्वालामुखी फिर से फट गया है कुछ समय रुकने के बाद हवाई का किला हुआ ज्वालामुखी फिर से फट गया है और ज्वालामुखी के क्रेटर में इस बार विस्फोट फिर से शुरू हुआ है आखिरी बार सितंबर 2021 में यह ज्वालामुखी फटा था तब से उसके बाद दिसंबर 2022 में इसमें विस्फोट हुआ था दोस्तों ज्वालामुखी किला हुआ पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक ज्वालामुखी माना जाता है बात आई है यहां पर हवाई की तो दोस्तों हवाई की आप लोकेशन देख सकते हैं ये है अमेरिका और ये है हवाई द्वीप ठीक है और ये जो हवाई है ये अमेरिका का ही एक स्टेट है और अमेरिका का पचासवा स्टेट है याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या है होनो लुलू है इसके अलावा हवाई में पांच ज्वालामुखी हैं कौन कौन सी कोहाला मोनाकिया और हुलालाई और किलाउआ और मोनालोआ ये पांच ज्वालामुखी कहां पर स्थित हैं हवाई में स्थित है अगला क्वेश्चन है कौन 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन बीक का आयोजन कर रहा है तो दोस्तों उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन बीक का आयोजन किया जा रहा है ठीक है कब से कब तक 10 से 16 जनवरी 2023 के बीच में इसका उद्देश्य है भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2023 को मनाना याद रखना है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा 16 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम्स शुरू की है तो दोस्तों यह ब्रिटेन के साथ स्कीम शुरू की गई है होगा क्या कि इसमें दोस्तों तीन युवा जो है वो इंडिया के यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में जाकर के काम सीख सकते हैं और यूके के तीन हजार युवा जो हैं वो भारत में आकर के काम सीख सकते हैं तो इस प्रकार की जो स्कीम है उसे यंग प्रोफेशनल स्कीम्स कहा गया है तो इसमें अठारह से तीस साल की आयु के जो युवा होंगे वो इस प्रकार की स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं और दोस्तों दो साल की अवधि के लिए इसे लागू किया गया है यानी दो साल तक इस प्रकार से काम कर सकते हैं युवा इस योजना की घोषणा नवंबर 2022 में बाली में जो जी ट्वेंटी का शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें की गई थी यह योजना शुरू में तीन साल की अवधि के लिए होगी और दो साल की अवधि के लिए एक दूसरे देश में काम रहने की अनुमति दी जाएगी ठीक है दोस्तों यहां पर बात आई है यूनाइटेड किंगडम की तो इसकी राजधानी लंदन है मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक और यहां का नेशनल गेम क्या है क्रिकेट है याद रखिएगा और यूके जो है स्कॉटलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड और बेल्स से मिलकर बना होता है यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है अगला क्वेश्चन है पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके एमडी और सीईओ कौन बने हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुरेंदर चावला कौन बने हैं दोस्तों सुरेंद्र चावला तो पेटीएम पेमेंट बैंक को सुरेंदर चावला को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त करने के लिए आरबीआई की अभी हाल ही में मंजूरी मिल गई है चावला आरबीएल बैंक के साथ काम कर रहे हैं वर्तमान में पेटीएम की स्थापना कब हुई थी अगस्त 2010 में हुई थी पेटीएम के सीईओ कौन है विजय शेखर शर्मा है तो इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने दिनों के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है आंसर है इसका सौ दिन के लिए ठीक है तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान सौ दिन के लिए शुरू किया गया है इस अभियान का उद्देश्य क्या है तो दोस्तों इस अभियान का उद्देश्य है कि जो उत्तर प्रदेश की सात नगरीय निकाय हैं उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का बनाया जाए ठीक है जिस प्रकार से विदेशों के शहर होते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का उन्हें बनाया जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस साल जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन होने वाला है और इसके अलावा दोस्तों ग्लोबल इन, इन्वेस्टर सम्मिट भी यहां पर आयोजित होने वाला है तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन शहरों को साफ स्वच्छ किया जा रहा है और बहुत सारी सुविधाएं जो है इन शहरों में की जा रही हैं तो दोस्तों इस अभियान को क्या बोला गया है उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान ठीक है उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है सौ दिन के लिए बात आई है उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी जानकारी डिस्कस करते हैं राजधानी लखनऊ है राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ दोस्तों शहीद अश्फाक उल्ला खान चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है उत्तर प्रदेश में स्थित है और गोरखपुर में स्थित है ये आप नोट कर लीजिएगा और कानपुर में देश का पहला लेदर पार्क बनेगा भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना है तो कुछ ये जानकारी है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इसको आप नोट करिएगा चलिए दोस्तों अब हमने जितने भी क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है 10 जनवरी को छेड़छेड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है छत्तीसगढ़ में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी विद के की रूप में किसे नियुक्त किया गया है ए सी चरानिया को एडिलेट अंतरराष्ट्रीय पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है नोबाक जोकोविस ने रोलर कोस्टर एंड अफेयर विध बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है तमाल बंदोपाध्याय हाल ही में किला हुआ ज्वालामुखी जुआ फिर से फटा है यह कहाँ स्थित है थे? हवाई में स्थित है कौन 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन बीक का आयोजन कर रहा है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है ब्रिटेन के साथ पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी सी यू के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सुरेंद्र चावला को उत्तर प्रदेश में कितने दिनों के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है सौ दिन के लिए तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है 10 जनवरी 9 जनवरी 8 जनवरी 5 जनवरी जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो एप्लीकेशन से कर सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जय हिंद वंदे मातरम